इसके लिए एक्वारिजिया बनाना है ताकि इसको हम एक्वारिजिया कर दें। इसमें ये 20 तक हम शोरे का तेजाब यानी नाइट्रिक एसिड डाल रहा हूँ मैं। ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, कम करके ये 20 मिलीलीटर नाइट्रिक एसिड हो गया। इसमें अभी मुझे 60 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी नमक का तेजाब डालना होगा। तो ये वैसे भी 50 मिलीलीटर का है, पहले इसको भर देते हैं 50 तक, फिर 10 डालेंगे। ये हो गया 50 मिलीलीटर, मज़ीद 10 और डाल देंगे। दस मिलीलीटर और हो गए। ये अभी क्वारिजिया बन गया, इसके थोड़ी देर बाद इसका कलर खूबसूरत कलर बन गया है। अब ये फिल्टर पेपर में इकट्ठा करके सारा इकट्ठा करके इसमें डाल देता हूँ, इसी में डाल देता हूँ, और इसमें मैं एक क्वारिजिया डाल देता हूँ। एक क्वारिजिया थोड़ा टाइम गुजर जाए। अब मैं इसमें एक क्वारिजिया डाल देता हूँ तो ये गोल्ड का आ जाएगा, गोल्ड ख़त्म हो जाएगा, नज़र भी नहीं आएगा। थोड़ी देर में इसका रिएक्शन शुरू हो जाएगा। गोल्ड ख़त्म हो गया, गायब हो गया। अब सारा गोल्ड सॉल्यूशन में गया और ये बन गया गोल्ड क्लोराइड, ये बन गया गोल्ड क्लोराइड। अभी इसको फिल्टर करके उस एक्वारिजिया को या वो गोल्ड क्लोराइड को फिर हम SMB के ज़रिए प्रेसिपिटेट करेंगे, मतलब ज़रात में इसको तब्दील करके गोल्ड डस्ट फिर नीचे बैठा देंगे। अब ये हम चेक करते हैं कि वाकई इसमें गोल्ड है या नहीं है। हम इसका टेस्ट करवा देते हैं स्टेनियस क्लोराइड से, SNC12 से। SNC12 से अभी हम इसको टेस्ट करेंगे। अब इस पे हम सॉल्यूशन का थोड़ा सा कतरा डाल देते हैं। अब इसके ऊपर स्टेनलेस क्लोराइड डालते हैं, अगर इसमें गोल्ड होगा तो ये बिल्कुल काला हो जाएगा। इट मींस द सॉल्यूशन इज प्रेग्नेंट, इट हैज अ लॉट ऑफ गोल्ड।
That state means that have gold. Okay, and now we began to filter. अभी इसको हम फिल्टर कर रहे हैं, फिल्टर कर रहे हैं, लेकिन इसके बजाय हम कॉटन से फिल्टर बनाते हैं। इसके लिए इसलिए इसका फिल्टर बहुत बेहतर होता है और बड़े अच्छे तरीके से ये फिल्टर करवा देता है इसको। अब हम कॉटन वाला फिल्टर बना देते हैं। इसके लिए इसमें हमने कॉटन लगा दिया, रुई, ये इसको कोई रोई बोलता है, कोई काटन बोलता है। अब ये बन गया इंशाल्लाह। इसको हम थोड़ा गीला कर देते हैं ताकि आसानी से वो फिल्टर हो जाए इसे। इसमें जो फिल्टर पेपर हमने डाला था वो सारा बस ये काके इसका हलवा बन गया, ये ख़त्म हो गया। अब इसको फिल्टर करना है। अब फिल्टर होना शुरू हो गए हैं। अब ये फिल्टर हो रहे हैं। नीचे जो जा रहा है वो गोल्ड क्लोराइड है, मतलब उसमें सोना है, फिर उसी से हम सोना निकालेंगे। तब तक जब ये फिल्टर होता है मैं इसके लिए SMB सॉल्यूशन बना देता हूँ ताकि फिर इसको बिठाएंगे। फिर इसमें SMB सॉल्यूशन बनाऊंगा मैं। ये डिस्टिल वाटर है, ये 200 ml डिस्टिल वाटर मैंने ले लिया इसके लिए। अब ये SMB पाउडर है, ये SMB पाउडर है, ये 2-3-4 चम्मच हम इसमें डाल के इसका सॉल्यूशन बना देंगे। ये सॉल्यूशन बन रहा है SMB की। SMB मतलब सोडियम मेटाबाइसल्फेट। ये सोडियम मेटाबाइसल्फेट का सॉल्यूशन बना के फिर हम गोल्ड क्लोराइड में डालेंगे। इधर रख देते हैं। अब गोल्ड क्लोराइड का कितना खूबसूरत फ्लेवर नजर आ गया। इससे पहले के भी एक बार ये देखें। हम ऊपर से इसको वॉश कर रहे हैं ताकि ऊपर जो भी गोल्ड रह गया हो इस फिल्टर में से वो गुजर जाए। इस फिल्टर में जो गोल्ड भी होगा वो नीचे चला जाएगा, फिल्टर हो जाएगा, सारा साफ सुथरा हो जाएगा। पहले हम इसको न्यूट्रल करते हैं ताकि जो गोल्ड इसमें बैठ जाए कि वो दोबारा हल ना हो। तो इसको न्यूट्रल करने के लिए हम इसमें डालते हैं यूरिया।
यूरिया जो फर्टिलाइज़र है लोग खेतों में इस्तेमाल करते हैं फली, आहिस्ता आहिस्ता डालना पड़ेगा ताकि ये जोश ज़्यादा ना मारे। तो ये एक एक दाना डाल के ये तेज़ाब न्यूट्रल हो जाएगा, फिर इसमें हम एसएमबी डालेंगे। ये तब तक डालना होता है जब तक ये जोश मारते रहते हैं। ये एसएमबी सॉल्यूशन है, अब ये इसमें डालते हैं, ये इसके साथ रिएक्शन करके काला कर देगा इसको, पर इसमें जो गोल्ड के दरार वो बैठना शुरू करेंगे, लेकिन ये पे हम 24 घंटे के लिए रख देंगे ताकि इसमें वो गोल्ड डस्ट बैठ जाए। अब इसका रिएक्शन अब इसको हम छोड़ देते हैं 24 घंटे के लिए, हम अब इसको छोड़ देते हैं 24 घंटे बाद सारा डस्ट नीचे, बल्कि 2-3 घंटे बाद बैठ जाता है, लेकिन 24 घंटे बेहतर होते हैं। ये वो 24 घंटे के बाद वो गोल्ड डस्ट बैठ गया, अभी हम इसे ये जो ऊपर पानी ये हटा देते हैं, नीचे जो गोल्ड डस्ट बैठा हुआ है अभी इसको हम ये स्क्रूसिबल में डाल के पिघला देंगे। अभी ये हम सिर्फ पानी उतार रहे हैं ताकि हमें वो गोल्ड डस्ट साफ सुथरा मिल जाए। ये पानी में हम गिरा देते हैं, बीकर में साफ सुथरा गोल्ड डस्ट रह जाएगा। मकदार कम होगी इससे कि हमने कम कार्डों से निकाला है, लेकिन फिर भी दिखाने के लिए ये काफ़ी है। ये हो गया, अभी इसको हम थोड़ा धो लेते हैं वॉश करके ताकि इसमें से तेजाब का असर कम हो जाए। कर देंगे थोड़ा सूखने देंगे।
हम थोड़ा जल्दी में कर रहे हैं, कुछ इधर पानी में गया लेकिन वो दोबारा हम निकाल देंगे। लेकिन अभी अभी इसको पिघला देते हैं। नाइट्रिक एसिड में हमने डाल दिया, इसमें से जो कचरा ये साफ हो जाएगा। ये आप लोगों ने देख लिया जो मैंने पिघला के साफ करके, लेकिन इसको मुझे दोबारा भी साफ करना पड़ेगा, तो इस वजह से फिर वीडियो और बहुत लंबी हो जाएगी, तो इस वजह से मैं इस जगह पे इसको रोक देता हूँ। और चलते चलते उसी तरह फिर मैं आप लोगों से एक बार फिर रिक्वेस्ट कर देता हूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो, पहली दफ़ा हो, तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इससे मेरा हौसला बढ़े, और आप बेल आइकन भी दबा दें ताकि आप लोगों को मेरे पहली वीडियो पहली फुर्सत में पहुँचे और आप देख सकें। तो इसमें इस वीडियो में मैं आप लोगों को अल्लाह को भी गवाह रखता हूँ, हर तरह से मैं आपको अपनी सच्चाई की वास्ता दे देता हूं कि इसमें मैंने कोई फेक काम नहीं किया है, सब के सब मैंने ए टू जेड किया हुआ है, कोई चीज़ इसमें फेक नहीं है। ये गोल्ड है जो मैंने निकाला, ये नाइट्रिक एसिड इन्हें शुरे के तेजाब में पड़ा हुआ है, शुरे के तेजाब गोल्ड नहीं कहा था, बाकी ब्रास हर एक चीज़ को कहा जाता है। लिहाजा आप लोग मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और लाइक दे दें। वस्सलाम।